हाय, मैं राजीव सर। आज हम वो चैप्टर उठाए हैं रीजनिंग का जो आज क्या हमेशा सबके लिए टफ बना रहा है। सेलोलिज्म, तर्क, आर्गुमेंट, बहुत दिन से हमारे विद्यार्थी लोग बोल रहे थे कि सर सेलोलिज्म का, तर्क, आर्गुमेंट, ये सब चैप्टर हमें क्लियर कर दीजिए। तो आप धैर्य बना के रखिए, पूरी पेशेंस के साथ रखिए। सेलोलिज्म के लिए हमें 2 दिन दीजिए, तर्क आर्गुमेंट के लिए भी 2 दिन, उसके बाद फिर क्या है, पूर्व धारणा का 1 दिन, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। लेकिन करना क्या है, पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखना है, हड़बड़ाना नहीं है। 5 से 6 मिनट का मेरा मात्र वीडियो रहता है, उसको इजी वे में आप देखिएगा। आज हमने सेलोलिज्म पढ़ाएंगे, सेलोलिज्म के बाद हम तर्क में आएंगे, फिर आर्गुमेंट भी तर्क उसी तरह का है, और धारणा पे आएंगे। आते हैं पॉइंट पे। सेलोलिज्म से पहले कुछ बात समझ लीजिए बाबू। ये हो गया सेलोलिज्म। सेलोलिज्म का मतलब ही होता है न्याय करना। तो ध्यान देना है बाबू, आप न्याय करेंगे तो पूरे प्रूफ के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं हाँ ना के नहीं। तो सेलोलिज्म का क्या है, उसमें क्या है, न्याय करना है तो प्रूफ के साथ करना है। तो इसमें सेलोलिज्म में क्या आता है, एक कथन होता है बाबू और एक निष्कर्ष होता है। कथन होता है और क्या होता है, निष्कर्ष होता है। स्टेटमेंट एंड क्या, कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट एंड क्या, कंक्लूजन होता है। अब हम आते हैं कथन। जो कथन कहेगा उसी अनुसार चलना है। जैसे एक कथन है, सेलोलिज्म के नाम से होता है कि पहले समझना है कि राम खिलाड़ी है। राम क्या है, खिलाड़ी है। राम खिलाड़ी है, सचिन खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं है, बस इतने ध्यान देना है। तो निष्कर्ष में एक चीज़ को हमको देखना क्या है, इसको समझिए। ये कुछ आराम से समझाएंगे, पहले समझाने के लिए। सचिन खिलाड़ी है, सचिन क्या है, खिलाड़ी है। तो गौर करना है बाबू कि राम खिलाड़ी की चर्चा किया है, ना कि इसमें सचिन की खिलाड़ी की चर्चा किया है। तो यहाँ ध्यान देना है कि सचिन खिलाड़ी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि सचिन तेंदुलेकर एक खिलाड़ी है, लेकिन इस कथन में नहीं बोला है कि सचिन खिलाड़ी नहीं है, तो हमको समझना नहीं है। बोला है कि राम ही खिलाड़ी है, ना कि सचिन खिलाड़ी है। तो इस निष्कर्ष के अनुसार, ये कथन के अनुसार, ये निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है। अब ध्यान देना है, अब कुछ सीन, अब जो हम पॉइंट पे आना चाहते हैं वो समझिए। जैसे क्या है, वन बाय वन समझना है। जैसे कथन में क्या रहेगा बाबू, 2-3 चीज बात को समझना है। जहां सभी रहेगा वहां कुछ ना कुछ रहेगा जरूर। जहां सभी रहेगा वहां कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन कुछ रहेगा वो सभी कभी नहीं होगा। तो पहले समझना है, सभी किताब क्या है बाबू, कॉपी है। सभी किताब क्या है बाबू, कॉपी है। अब कॉपी क्या है, तो इसके बारे में समझना है। पहले निष्कर्ष में इसमें क्या क्या हो सकता है उसको समझना है। 2 दिन हमें आप दीजिएगा सेलोलिज्म के लिए, क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे, ये राजीव सर का वादा रहा। आते हैं ध्यान से, इसमें होता क्या है। पहला तो यही जो है वही होना चाहिए कि सभी किताब जो है वो कॉपी है। सभी किताब क्या है, कॉपी है, निष्कर्ष में अगर दिया तो। दूसरा में दिया क्या, सभी कॉपी क्या है बाबू, किताब है। तीसरा में ये दिया कि कुछ कॉपी क्या है बाबू, किताब है। क्या है बाबू, कुछ कॉपी क्या है, किताब है। उसी तरह क्या है कि कुछ किताब कॉपी है। इतना बात अगर आप समझ लिए तो आज के बाद क्वेश्चन छूटेगा नहीं, दम कन्फर्म। इस तरह का सभी का, तो सभी किताब क्या है, कॉपी है। तो ध्यान देना है क्या कि ये किताब हो गया और ये हो गया क्या, कॉपी हो गया। तो ध्यान देना है कि सभी किताब क्या है, कॉपी है। ये कॉपी के अंदर में है, तो ये निष्कर्ष क्या है, सही है। फिर बोला है कि सभी कॉपी क्या है, किताब है। सभी कॉपी क्या है, किताब है। तो सभी कॉपी किताब नहीं हो सकता है, क्योंकि किताब कुछ में है, तो ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। फिर बोला है कि कुछ कॉपी किताब है, तो ध्यान नहीं देना है, बस इस दोनों में सभी रहेगा, तो कुछ कुछ क्या है, मार देना है। क्या कर देना है, कुछ कुछ मार देना है। आराम से समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं। बोला क्या है, सभी कॉपी क्या है, कलम है। सभी कॉपी क्या है,
कलम है और निष्कर्ष में कहेगा बाबू कि पूछेगा क्या, कुछ कॉपी किताब है, दूसरा में बोलेगा क्या, सभी किताब क्या है, कलम है, सभी किताब क्या है, कलम है। अब इसमें निकालना है तो ध्यान देना है कि सभी किताब क्या है, कॉपी है, इसका डायग्राम बनाना है, और फिर सभी कॉपी जो है वो क्या है, कलम है। तो कुछ वाला में तो देखना है कि तो ऐसे टिक मार देना है जहां सभी रहेगा, तो और सभी किताब कलम है तो सभी किताब कलम है, इस तरह का होगा। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा और हमें बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर क्या होगा। जैसे क्या है, सभी कलम पेन है और कुछ पेन कॉपी है। तो इसका निष्कर्ष बताना है बाबू कि सभी कलम कॉपी है और दूसरा कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी क्या है, पेन है। क्लियर है? अगले वीडियो के लिए जरूर इंतजार कीजिएगा क्योंकि वो जबरदस्त वीडियो आने वाला है सेलुलरिज्म का। ठीक है, खुश रहिए, एनर्जी फुल रहिए, राजीव सर को याद करते रहिए। ठीक है, बाय।